अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्लफ़ी ऑमलेट रेसिपी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने ये फ्लफ़ी ऑमलेट किस तरह से बनाया, तो मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने विदाउट लैक्टिक बीटर बनाई है, तो आप भी घर पर बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 अंडे लिए हैं, इनको तोड़ लेना है। आप जितने चाहें उतने अंडों का बना सकते हैं। मैंने 3 अंडे लिए थे, इनको पहले तोड़ लेंगे। अब मैंने जग लिया है, ये देख सकते हैं, जिसमें हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं, ब्लेंडिंग जग, ब्लेंडर, उसमें मैंने ये तीनों अंडे डाल दिए हैं। और इनको तकरीबन 5 मिनट तक जो है वो ब्लेंड करना है हमने, सिर्फ 5 मिनट तक जो है वो इसको ब्लेंड करना है। और फिर ये इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा, और फिर इसको हैंड बीटर की हेल्प से जो है वो आपने बीट करना है तकरीबन 10 मिनट। यहाँ पर जो है वो आपकी अपनी मेहनत होगी कि आप इसको कितने अच्छे तरीके से बीट करते हैं, क्योंकि मैंने तो इसको 10 मिनट बीट किया था बहुत ही अच्छे तरीके से कि ये क्रीमी फॉर्म में आ गया था। क्योंकि हमने फ्लफ़ी ऑमलेट बनाना है, तो इस वजह से इसको बहुत अच्छे से बीट करना है आपने, फिर ये जो ऑमलेट है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। अब देख सकते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया। ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, कितना क्रीमी है ये। अब इसमें क्या क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 टीस्पून नमक, और इसके साथ ही 2 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। इससे क्या हुआ कि फ्लफ़ी ऑमलेट के अंदर जो है वो इसका टेस्ट आएगा और ये बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन में जो है मैंने ऑयल डाल लिया है 2 टेबल स्पून। आप कोई सा भी बर्तन ले लें जो नॉन स्टिक हो, इससे क्या हुआ कि जो ऑमलेट है वो नीचे नहीं लगेगा, जुड़ेगा नहीं बर्तन के साथ। तो इस तरह से ब्रश की हेल्प से जो है वो इसको ग्रीस कर लेना है। फ्लेम जो है वो पहले हाई कर देनी ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। जब ये अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर फ्लेम जो है वो आपने लो कर देनी है, दम वाली जो फ्लेम होती है वो वाली आपने कर देनी है। और फिर इसमें ये जो बैटर है इसमें डाल देना है, और फिर ब्रश की हेल्प से साइडों पर इस तरह से ऑयल लगाते जाना है। साइडों पर ही लगाना है आपने, इसके ऊपर नहीं लगाना है। अच्छे तरीके से ऑयल लगाना है, और जब इस तरह का इसका कलर जो है वो इस तरह का आ जाए, जब इसका कलर इस तरह का हो जाए, तो फिर इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे बहुत ही प्यार के साथ। ये साइडों पर इस तरह से बिखरेगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये फ्लफ़ी है, हमने इसको बहुत अच्छे से बीट किया था, तो इस तरह से ये इस तरह का हो गया है। लेकिन हम जब ब्रश से जो है वो ऑयल साइडों पर लगाएंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा। तो इस तरह से तब भी आपने जो है वो ऑयल लगाते जाना है ब्रश से साइडों पर अच्छे तरीके से। और आप कलर देख सकते हैं कि एक साइड का कितना ज़बरदस्त आया है। इस तरह से इसको ऑयल लगाते जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है, तो अगर आपको ये पसंद है तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। इसमें आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर ये मैंने बनाया है। और आपको मैंने दिखाया भी है कि मैंने किस तरह से पहले ब्लेंडर में डाला था, और फिर उसके बाद मैंने इसको हैंड बीटर से जो किया था, और दूसरी तरफ से भी ये देखें इस तरह का कलर आ चुका है। ये फीका ना लगे इसलिए मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड की हैं। इसके ऊपर अब मैंने ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च जो है वो इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने डाल दी है, और साथ ही बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ, और इसके साथ ही सब्ज़ मिर्च एक अदद बारीक बारीक काटी हुई वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, और इसको फोल्ड कर देंगे। और देखें, तैयार है हमारा मज़ेदार फ्लफ़ी ऑमलेट। तो अगर आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।